नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। दिल्ली में रहने वाले हैं आप और अगर बाहर से आकर दिल्ली में रह रहे हैं तो जरा से सावधान हो जाइए, या मैं कहूं जरा नहीं, बहुत सावधान होने की आपको जरूरत है, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण का लेवल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि देश का ही सबसे प्रदूषित शहर नहीं बल्कि दुनिया भर का सबसे प्रदूषित शहर हो गया है दिल्ली। और स्मॉगी जो एक पूरी लेयर है जो सुबह सुबह उठकर दिखाई देती है, शाम को दिखाई देती है, आलम यह है कि विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम हो गई है। और देखिए अभी तो फॉग वाली जो ठंड है वो भी नहीं आई है और उससे पहले ही प्रदूषण की वजह से जो स्मॉग हो रहा है ये लोगों को खासी दिक्कतें दे रहा है। सेहत से जुड़ी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। हालांकि जो दिल्ली सरकार है वो इसको लेकर एक्शन ले रही है और यही वजह है कि दिवाली पर पूरी तरीके से आतिशबाजी को बैन करने का फरमान जारी किया गया है। ना सिर्फ दिवाली बल्कि 7 नवंबर से नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं। 7 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक तो आप किसी भी तरीके का पटाखा छुड़ा ही नहीं सकते हैं। इस तरीके का प्रावधान रखा गया है कि अगर कोई भी किसी भी तरीके की आतिशबाजी करता हुआ दिखाई दिया तो फिर उसको कम से कम 1.5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल तक की सज़ा और अलग से जो जुर्माना है वो भी उस पर लगाया जा सकता है। और ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और लोगों को अब ये समझ नहीं आ रहा है कि जो स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स उनको हो रही हैं वो प्रदूषण की वजह से हो रही हैं, कोरोना की वजह से हो रही हैं, या फिर कोई और वजह है, या मौसम का मिजाज ऐसा है कि इस वजह से उनको इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यकीन मानिए, दिल्ली में अगर आप रह रहे हैं तो आपके लिए एक दिन में सांस लेना 30 सिगरेट फूंकने के बराबर माना जा रहा है। अब अगर देखिए एयर इंडेक्स की बात करें तो वो सबसे ज्यादा प्रभावी हुआ है और दुनिया भर के शहरों की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को जो मापता है, जो रैंकिंग करता है, यानी कि IQAIR, उसके मुताबिक अगर हम आंकड़ों की माने तो मंगलवार को दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा। दूसरे नंबर पर चीन का चेंगडू, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान का लाहौर रहा। इसके बाद मंगोलिया और पोलैंड के 2 शहर थे। तो देखिए दिल्ली जो कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर दुनिया नहीं कहेंगे, देश भर के जो अलग अलग राज्य हैं वहाँ से लोग आकर रहते हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, मतलब हब कहा जाता है, जॉब्स का ले लीजिए या फिर आप पढ़ाई का ले लीजिए, तो ऐसे में हर तरीके का तबका दिल्ली में रहता है और यही वजह है कि मुसीबतें हर किसी के लिए बढ़ने वाली है। ना सिर्फ युवाओं को, ना सिर्फ बुज़ुर्गों को, ना सिर्फ बच्चों को, बल्कि सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि इस वक्त दिल्ली दुनिया भर में सबसे प्रदूषित शहरों में अपनी जगह बना चुकी है। तो कुल मिलाकर देखिए, एक तो सबसे ज़्यादा अपील जो हम यही करना चाहेंगे, जो कि सरकार भी कर रही है, वो ये कि इस दिवाली बचिए कि आप पटाखे ना छुड़ाएं, क्योंकि देखिए हर साल कहीं ना कहीं सरकार ऐलान तो करती है, प्रावधान भी लेकर आती है, सज़ा का भी ऐलान किया जाता है, लेकिन इसका असर ज़मीनी स्तर पर नहीं पड़ता है। लेकिन यकीन मानिए अब इसका असर पड़ने की ज़रूरत है। तो जितना हो सकता है बाहर कम निकलिए और अगर बहुत ज़रूरी है तो मास्क लगाकर निकलिए और तमाम सावधानियां बरतते हुए निकलिए। दिल्ली में रहते हैं तो इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा।